ये है हमारी माता जी। तो हे गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ बस स्टेशन। अभी बस स्टेशन से बस मिलेगी, देन बस में बैठ के मैं गाँव जाऊँगा। तो गाइस, हमारे साथ आज बहुत गंदे सीन हो गए कसम से। तो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग वंस अगेन एंड वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स के बहनों भाइयों जो भी हो। एंड टुडे इज़ माई बर्थडे। यस गाइज, आज मेरा बर्थडे, न्यू ईयर को मेरा बर्थडे आता है, तो अगर विश करना हो तो कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। एंड अभी मैं जा रहा हूँ गणेश मंदिर, क्योंकि मेरा बर्थडे है यार, भगवान के पास तो जाना पड़ेगा पहले, फिर जाऊँगा मेरी मम्मा के पास। मैंने पापा से बोला नहीं है, मेरे को पापा का सरप्राइज़ देना है थोड़ा सा, तो इसीलिए मैंने बोला नहीं है। तो मैं घर जाएगा, फिर घर से शाम को इधर वापस आएगा, फ्रेंड लोग भी है, तो अभी चलते हैं गणेश मंदिर। तो लेट्स गो। तो गाइस, मैंने फाइनली परफ्यूम वगैरह ले लिए। मैंने लिया है वाइल्ड स्टोन का ब्लू एंड डेनवर ग्रीन का चॉकलेट लिया है, रॉयल गोल्ड। अभी मैं जाऊंगा गणेश मंदिर। अभी तो बहुत रश है, मतलब इतना भीड़ है, आप देख ही सकते हो, आपको बताया था। अभी तो फिर अभी चलते हैं गणेश मंदिर, फिर घर निकलेंगे गाँव की ओर, फिर मम्मी से मिलना है एंड फिर वापस आएंगे शाम को। लेट्स गो, चलते हैं। बहुत सारी पब्लिक है यार यहाँ पर, मतलब टाइम तो एक्चुअली बहुत होने वाला है। एक्चुअली न्यू ईयर है ना, तो सब आ रहे हैं मंदिर पर, मैं भी जाऊँगा। अभी टाइम तो बहुत होने वाला है, मतलब 1-2 घंटे तो लगने वाले हैं मुझे, क्योंकि लाइन बहुत लंबी है इधर। कम से कम मान के चलो 2 घंटे तो लगेंगे मुझे, घर तक पहुँचूँगा मैं आई थिंक 3-4 बजे। तो उधर डायरेक्ट जाके केक काट के मैं डायरेक्ट इधर निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरे को शाम को इधर वापस आना है फ्रेंड लोगों के साथ। तो अभी चलते हैं गाइस। फाइनली 1 घंटे के बाद, लाइन लगाने के बाद मैं वापस बाहर आ चुका हूँ एंड क्राउड देख ही सकते हो यार आप, वो वहाँ मतलब 5-6 लाइन घूम के मतलब 1 घंटे बाद दर्शन किए हैं गणेश जी के। एंड सही से मैं मनोकामना भी नहीं कर पाया, क्योंकि एकदम से भगा रहे थे, जल्दी जल्दी ऐसा सीन हो रहा था। आज एक्सेप्ट नहीं किया था कि न्यू ईयर के दिन इतना ज़्यादा भीड़ होगा मंदिर में, इतना ज़्यादा भीड़ हुआ। तो फाइनली 1 घंटे बाद मैं दर्शन करके आ चुका हूँ। अभी मैं जाऊँगा केक लेने, बिकॉज मेरा बर्थडे एंड अभी मैं जाऊँगा गाँव, क्योंकि मम्मी को और पापा को सरप्राइज़ देना है। तो लेट्स गो, चलते केक लेने गाइस। मतलब इतना स्ट्रगल करके रोड क्रॉस किया ना मैंने, ये देखो, इसके बिना इंदौर इंदौर है ही नहीं भाई, है ना। आज तो कुछ ज़्यादा ही रहते हैं न्यू ईयर के दिन। पता नहीं मेरे को बस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मिलेगी तो शायद मेरे को खड़े होके जाना पड़ेगा। इन्हें केक का क्या होगा, बेचारे का कचरा नहीं हो जाए, यहाँ से लेके जाना पड़ रहा है मेरे को। मैं भी खुद हूँ डबल चौके से जाके लिया था, बट क्या करूँ, यहीं से लेके जाना पड़ रहा है। चलो चलते हैं, बस देखते हैं, बस मिल जाए तो ठीक है। अरे भैया आराम, चलो चलो गाइस। तो हे गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ बस स्टेशन। अभी बस स्टेशन से बस मिलेगी, देन बस में बैठ के मैं गाँव जाऊँगा। मैंने केक वगैरह भी ले लिया था एंड लिटरली गाइस, आज इतना ज़्यादा क्राउड है ना, मतलब अभी तो क्या ही बोलो, न्यू ईयर के दिन वाट लग गई। मतलब पिछले सालों पर इतना क्राउड नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ऐसा सीन था एंड अभी तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। चलो बस लेते हैं और निकलते हैं इधर से जल्दी जल्दी। तो हे गाइस, फाइनली मैं घर वापस आ चुका हूँ एंड अभी मेरी मम्मी बना रही है आलू बड़े, है ना मम्मा। और क्या बना रहे हैं, गुलाब जामुन? गुलाब जामुन बना रही है, क्योंकि मैं हर बार जब भी घर आता हूँ मेरे लिए गुलाब जामुन तो नेसेसरी बनना ही है। एंड अभी आलू बड़ा बनेगा, फिर अभी मैं माता जी के मंदिर जाऊँगा, हनुमान जी के मंदिर जाऊँगा एंड भैया वगैरह के फ्रेंड वगैरह घर जा कर उनसे मिल के ये खाना वाना खा के एंड केक वेक कट करके मैं वापस इंदौर जाऊंगा, बिकॉज मेरे कुछ नल्ले फ्रेंड्स हैं वो भी मुझे बुला रहे थे तो उनके पास जाना पड़ेगा मुझे। तो अभी चलो कुछ खाता हूँ मैं, मैंने कुछ खाया नहीं सुबह से। कितनी बज गई, 5 बज गई कि 4 बज गई गाइस, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, अब खाना खाऊँगा मैं एंड फिर निकलता हूँ मैं इंदौर तरफ। तो गाइस, मैं हनुमान जी के मंदिर से वापस आ चुका हूँ एंड मैं आया हूँ अभी मेरी माँ, मेरी माता जी, हमारी कर्ता धर्ता के मंदिर। ये है हमारी माता जी, मेरी मरी माँ। ये है हमारी माता जी, अभी मैंने यहाँ भी दर्शन कर लिए हैं। अब मैं जाऊँगा इधर से घर, घर ने मम्मी घर पे मम्मी ने बनाए आलू बड़े एंड गुलाब जामुन, वो हर बार बनाती है मेरे लिए,
चलो चलते हैं। तो हे गाइस, फाइनली अभी मुझे बहुत टाइम हो चुका है, मैं इंदौर में निकलना है मुझे, क्योंकि 7 बज चुकी है अभी। एंड अभी ये केक लाया है मनीष, देखो क्या लिखा है इसने। एंड ये मैं लाया हूँ घर के लिए, तो ये लाया, थैंक यू ब्रदर। तो गाइस अभी केक कट करते हैं, खाना वाना खाता हूँ, फिर निकलता हूँ मैं इंदौर की तरफ, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गया हूँ अभी से। तो गाइस मेरी मम्मी ने आलू बड़े बनाए मेरे लिए, एंड इसमें क्या है, रोटी वगैरह है नॉर्मल, इसमें ये थोड़ी सी काली, मतलब काली वाली गुलाब जामुन बनाई मम्मी ने, लेकिन सब्जी वगैरह रखी इसमें चटनी। तो गाइस रियली आई एम टू लेट फॉर गोइंग टू इंदौर यार, मेरे को ना केक वगैरह कट करना था, तो मैंने केक वगैरह कट कर लिया है, अब मैं भाग के जा रहा हूँ जल्दी। अब बस मिल जाए तो ठीक ही है, मुझे बस नहीं मिली तो यहीं रहना पड़ेगा मुझे, और मेरे फ्रेंड चिढ़ जाएंगे फिर, क्योंकि एक और फ्रेंड का बर्थडे है वहाँ पर, एंड मेरा तो ऑफकोर्स मेरा बर्थडे है ही, तो हम दोनों साथ में सेलिब्रेट करना चाह रहे थे, मतलब साथ में सेलिब्रेट होगा हमारा बर्थडे, तो मेरे को निकलना पड़ेगा, 9 से 12 का प्लान है। एंड इंदौर में पता नहीं क्या सीन होगा, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे बस मिल जानी चाहिए भाई जल्दी से जल्दी। चलो जल्दी चलते हैं बस स्टैंड। गाइस मेरे को 1 घंटा हो गया इधर बैठे बैठे, अभी तक बस नहीं आई, मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि कब बस आए, कब मैं जाऊँ। एक उधर से कॉल भी आ रहा भाई, मैं जब से वेट कर रहा बस नहीं आ रही, डंपर निकलने जा रहा है, कार ही निकलने जा रही, दिमाग ख़राब हो रहा मेरा, आजा भाई प्लीज़। तो हे गाइस फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद मैं इंदौर पहुँच चुका हूँ, एंड 2 घंटे लगे मुझे इंदौर पहुँचने में। अभी सुबह मारा है मुझे पिकअप करने, मैंने उसको कॉल कर दिया है, अभी वो मुझे पिकअप कर लेगा, तो फिर मैं उसके बाद जाऊंगा उसके साथ टावर स्क्वायर, क्योंकि आज ऑफकोर्स मेरा बर्थडे है, संजय का भी है। एक्चुअली हमारा ये सीन हुआ था कि हम 56 जाने का सोच रहे थे, बट वो संजय राव का जो सीन था वो टावर स्क्वायर का है, तो अभी वो मुझे पिकअप करने आ रहा है, फिर अब चलते हैं। तो हे गाइस फाइनली हम कैफ़े के बाहर पहुँच चुके हैं, ये रहा कैफ़े, चलो अब अंदर चलते हैं, भाई लोगों को सरप्राइज़ देते हैं एंड बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो लेट्स सेलिब्रेट टाइम, बाय गाइस, सॉरी बाय नहीं, अभी तो व्लॉग अभी एंड नहीं करेंगे, अभी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो लेट्स सेलिब्रेट। तो हे गाइस लुक एट द लोकेशन, हैप्पी बर्थडे टू मी एंड संदीप भैया एंड संजय भैया, ये अभी हार्ट वर्ड बन रहा है रोज़ का, एंड केक अभी ओपन हो रहा है, तो अभी भाई वगैरह केक काटेंगे, तो केक कटने के बाद मिलते हैं, जब तक अभी इंजॉय करने दो, तब तक के लिए बाय। तो हे गाइस बर्थडे गैंग इज हियर, हे गाइस चिल्ला जोड़ मत करना, चिल्ला हाय बोल दो, ये है बर्थडे इनका, बर्थडे बॉय, सॉरी मैं गलत बोलने वाला, ये संजय भैया, संजय राव, ये हमारे संदीप सामने भैया, एंड आई एम योर संदीप सिनोदिया, 3 बर्थडे बॉयज इज शेयर, 1 and 2 एंड आई एम 3, एंड दिस इज अ केक, अभी एक केक और आ रहा है, तो अभी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, फिर उसके बाद गरीबों वाला केक, गरीबों वाला केक, हाँ 250 शैम्पू वाला। सो गाइस ऐसी बेइज्जती करता रहेगा मेरी, तो हम मिलते हैं केक कटिंग के बाद। तो गाइस फाइनली हमारा केक आ चुका है, ये अब ये हर बार मेरे साथ हरकत करता है, धक्का दे रहा मेरे को पनौती, एंड ये है संजय भैया का केक, ये हमारे संदीप भैया का केक, दोनों का नेम सेम है, कोई सा भी केक कट कर लेंगे। ये हमारे संदीप भैया, संजय भैया हाय। तो गाइस ये भैया हमारे ब्लॉग में नहीं आते, इनको ले रहा था भैया, हाय बोल लो, बेचारे जब से बोल रहा है यार, हम तो आए नहीं रहे ब्लॉग में। तो गाइस अब सेलिब्रेट टाइम, 5 मिनट, हाँ 5 मिनट बाद हमारा बर्थडे, एकदम आज ही बर्थडे, बर्थडे तो आज ही है, बट सेलिब्रेट 5 मिनट बाद करेंगे हम, तो लेट्स गो, सॉरी। Oh, oh, oh.
गाइस, फाइनली हमारा बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट हो चुका है। अभी हम जाएंगे होटल, बिकॉज हमने अभी कुछ खाया नहीं है। हमने चाय नहीं पीता था, इन्होंने चाय वगैरह पी लिया, इन केक खाया था बस। अभी जाके कुछ मोमोज वगैरह कुछ तो खाएंगे हम, तो अभी चलते हैं हम होटल। लेट्स गो। तो गाइस हम फाइनली इधर कैफ़े पे आ चुके हैं। बहुत मुश्किल के बाद हमें कैफ़े इंदौर में खुला मिल गया, बिकॉज सारा मार्केट कोरोना बैक आने की वजह से थोड़ा क्लोज हो गया था, इसीलिए अभी हमको ये ओपन मिल गया है। तो हम जाके अभी कुछ खाएंगे हम सारी गैंग, फिर उसके बाद अभी मैं यहाँ पर फ़ोन चार्ज लगा लेता हूँ, बिकॉज मेरा फ़ोन एकदम बैटरी लो है। तो मिलते हैं फिर खाने के बाद। अरे बहुत सही काम कर दिया भाई तूने। तो गाइस हमारे साथ आज बहुत गंदे सीन हो गए कसम से। फिर थैंक यू सो मच संजय भैया के भांजे वगैरह है ना, उनके घर वालों का, उनने हमें खाना दे दिया, कुछ खा के नहीं आए थे। और ये भैया का तो अलग ही सीन चल रहा था वहाँ पे, मतलब सैंडविच दिया था ना, पुलिस वाले खड़े थे वहाँ पर, उनके बीच में जाके सैंडविच खा रहा भैया। मतलब ये सीन हुआ था। हम कैफ़े गए थे बर्थडे मनाने, हमने बर्थडे सेलिब्रेट पूरा वगैरह कर लिया। जिस कैफ़े पे हम गए थे उसके बाद में खाना खाने, तो हमने मैगी वगैरह तो खा लिया था। जब सैंडविच ऑर्डर किया, 3 सैंडविच आए थे, जितने में पुलिस की 1-2 गाड़ी नहीं, 10-12 गाड़ियाँ थी। क्योंकि अभी 2 दिन पहले उस टाइम पर उधर के एरिया में थोड़ा मोटा वगैरह ऐसे सीन हुआ था, और उस कैफे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, स्मोकर वगैरह ड्रिंकर वगैरह थे, और हमारे साथ गर्ल्स वगैरह थी, तो डर था। तो उन्होंने पूछा कि कहाँ से, उन्होंने बोला मुझे गली से, तो उन्होंने बोला कि फटाफट जाओ, उधर का एरिया सेफ नहीं है। तो हम इधर आ गए, और घर जा नहीं सकते थे इतनी नाइट में, तो क्योंकि गेट नहीं खुलने वाला था। तो संजय भाई आके मामा जी वगैरह हैं, भांजे के घर, उनकी दीदी के घर हम रुके हुए हैं। उन्होंने अभी हमें खाना दिया है, बढ़िया मस्त हम खाना खा रहे हैं। एंड आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमारी वाट लग गई। मैं फैशन दिखाने के चक्कर में, ज़ारा के चक्कर में ना, ठंड से काँप गया आज, बहुत बहुत ठंड लग रही मुझे। गाड़ी पे आए थे ना रात में स्पीड से। तो गाइस अब आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद मेरी तो वाट लग गई। चलो भाई।